20 सालों से यहाँ साल भर दो साल में दो तीन बार आके हम लोग आंदोलन करते हैं यहाँ पे, फिर भी हमारा जो केंद्र सरकार है हमारे इस आंदोलन को अनसुना करके अभी तक हमारा जो अधूरा सपना है ये सपना को अभी तक सपना ही रहने दिया है, इसको फुलफिल नहीं किया है अभी तक। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज इस मंच से कि जो चुनाव में आके हमारी जगह पे आके हमें कहते हैं कि आप लोग का जो मुद्दा है, जो इश्यू है ऑटोनोमस स्टेट का धारा 244 ए कहता है, ये हम लोग सिर्फ चुनाव में ही सुनते हैं। चुनाव पार होने के बाद ये सपना जो है, ये जो ऑटोनोमस स्टेट का इश्यू है ये बंद हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग को सिर्फ चुनावी जुमला सुनना पड़ता है? क्या हमारे भावना नहीं है? क्या हमारा सेंटिमेंट नहीं है? हम लोग ऑटोनोमस स्टेट क्यों मांग रहे हैं अभी, क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो जाति है, जो हम लोग का लैंड राइट्स है, जो हम लोग का कस्टम्स है, जो हम लोग का ट्रेडिशन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट चाहिए। और ये भारत के संविधान में है, ये धारा है, इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। बाकी संगठन जैसा नहीं है, हम लोग यू ही हवा में हम लोग का जो डिमांड है ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान में हम लोग का स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम लोग को 244 ए के तहत ऑटोनोमस स्टेट मिल सकता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने में, इसको धारा लागू करने में भारत सरकार और असम सरकार से क्यों वो लोग परहेज रखा है अभी तक, क्यों अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है? पिछले 32 सालों से अगर जरूरत पड़ेगा जब तक ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं पूरे जनता से, दिमाग कार्यालयों की जनता से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा,